चंद्रमा जिस राशि के स्वामी हो, जो मन का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसके अधीन इंद्रियां हो, ऐसी राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा को आप सभी को बारंबार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का आधिपत्य चंद्र के पास है। अगर आप अपनी राशि के स्वामी को ना मनाएं और आप दुनिया जहां के लोगों को मना लें तो उससे कुछ नहीं होना। आपके अपने घर के पितृ देवी देवता रूठे हुए हैं और आप दुनिया जहां के देवी देवताओं के यहां जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आपके अपने आपसे ना मान जाएं। इसीलिए मैं आपसे आज की इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है तो इसलिए सफ़ेद रंग के वस्त्र ज़रूर धारण करें, अगर आपका चंद्रमा नीच नहीं है तो। क्योंकि ये चंद्रमा को पावर देने से सीधा सीधा राशि को पावर मिलेगी। आपकी राशि को पावर मिलने का मतलब है आपको आपकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा के पास जिस भी भाव की जिम्मेदारी होगी उस भाव को ताकत मिलेगी। आज का विषय बड़ा अति आवश्यक, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ जुलाई राशिफल 2024 लेकर के। 6 महीने तो बीत ही चुके हैं, अब 6 ही महीने तो शेष बचे हैं। अब इन 6 महीनों की ग्रह स्थिति के अनुसार सबसे पहले नंबर पर मैं कैरियर को रखूँगा। कैरियर जो सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में प्ले करता है, इस घर के अंदर मंगल ग्रह का ट्रांजिट है 1st 12 days तक। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, और आपका कैरियर 2 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो खुद इधर कैरियर के घर में मंगल बैठे हैं, यहाँ पर ये प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ ये आजीविका के संसाधनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये ईंट भट्टों के काम कारोबारियों के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो काम करते हैं उससे जुड़े लोगों के लिए, जो लोग बाहुबल का काम करते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाभदायक है। यानी कि आपके लिए चंद्र ग्रह, आपके लिए मंगल ग्रह उपयोगी साबित होंगे इन टर्म्स ऑफ कैरियर। मेरा तो फर्ज बनता है, मैंने तो बता दिया, पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि कैरियर आपका 2 पार्ट में इस महीने डिवीजन होता हुआ नजर आ रहा है। पहला पार्ट है पहले 12 दिनों तक, और उसके बाद है 13 तारीख से लेकर के और महीने के अंत तक। उसमें क्या होगा कि जो मेहनत आपने करी है शुरुआत में, उस मेहनत का आपको फल प्राप्त होगा और वो आपको लाभ के दृष्टिकोण से मिलेगा। यानी कि 13 तारीख से लाभकारी परिस्थितियां आपके लिए निर्मित होती हुई नजर आ रही हैं। अब वो क्यों, देखिए बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए, इसीलिए क्योंकि लाभ स्थान पर गुरु और मंगल का प्रभाव बना हुआ है। ये दोनों ग्रह मिलकर के लाभ आपको देंगे, आपको विदेशों से लाभ देंगे, साथ में जो भी आपने कर्म किया है, अगर आपका कर्म विदेशों से जुड़ा हुआ है तो विदेशों से लाभ मिलेगा, अगर आपका कर्म जुड़ा हुआ है जल से तो जल से आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि आप जिस भी रूप में कर्म कर रहे हैं उसी तरफ आपको लाभकारी परिस्थितियां प्राप्त होंगी। गुरु मंगल के द्वारा आपके काम जल्दी होने लगेंगे, गुरु मंगल के द्वारा कम मेहनत में अधिक फल आपको प्राप्त होने लगेंगे, गुरु मंगल के द्वारा आपको विदेशों से लाभ प्राप्त होगा, गुरु मंगल के द्वारा आपको अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, गुरु मंगल के द्वारा आपकी एजुकेशन के अंदर आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, गुरु मंगल के द्वारा आपको उच्च पद प्रतिष्ठा के योग बनेंगे, गुरु मंगल के द्वारा आप बहुत नीतिवान हो जाएंगे, गुरु मंगल के द्वारा आपकी जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होंगी इस महीने। और 12 तारीख पर आप एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं, आफ्टर 12th of July आपको एजुकेशन में, आपको नीति में, शास्त्र विद्वानता में, टेक्निकल एजुकेशन में, आपको कंसल्टेशन रिलेटेड वर्क में, आपको अध्यात्म में, ज्योतिष में, इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छे और विशेष लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और बहुत स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं कि आपको कैरियर और लाभ के दृष्टिकोण से चिंता नहीं करनी। मैंने इतना अच्छे से आपको समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर स्विच करते हैं और वो हमारे लिए रहेगा फाइनेंस। अब देखिए, कर्म कर रहे हो, लाभ आ रहा है तो फाइनेंस भी आएगा, और फाइनेंस कौन देगा, वो देगा आपको सूर्य ग्रह। अब सूर्य ग्रह के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब वो कैसे, आपके
फाइनेंस की लॉर्डशिप, ये पांच नंबर लिखा है, इसके स्वामी सूर्य हैं। अब इस सूर्य के इस घर पर मंगल की दृष्टि रहेगी 12 जुलाई से, इसलिए मैंने 12 जुलाई पर आपके लिए कहा कि एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए। अब यहां मंगल देखेगा 12 जुलाई से तो अपने मित्र के घर को देखेगा तो फाइनेंशियल गेन करेगा, और 16 तारीख से सूर्य खुद इस घर में यहां पर आ जाएंगे कर्क राशि में, यानी कि आपकी राशि के अंदर आएंगे और आपकी राशि को बल देंगे, ताकत देंगे, साहस देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल गेन आपको होगा। बट हाँ, एक चीज मैं आपसे जरूर कह देना चाहता हूं और निसंकोच भाव से, कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके परिवार के घर पर है, 12 जुलाई से मंगल की 4थी दृष्टि भी आपके परिवार के घर पर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में परिवार में आपके मतभेद निश्चित तौर पर बनेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट अभी से ही कर देना चाहता हूं। पैसे को लेकर के चिंता मत करिएगा। बात करते हैं आपसे हेल्थ की। हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है जुपिटर के पास, या 9 नंबर लिखा है, इसका स्वामी होता है गुरु, ये हेल्थ का घर है। गुरु खुद अपनी राशि से छठे चल रहा है धनु से, ऐसे में आपको हेल्थ पर निश्चित तौर पर तनाव देगा, बाधा देगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत प्यार से शांति से आपको व्यवहार रखना पड़ेगा, इसमें दो मत किंतु परंतु नहीं है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी एजुकेशन, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी गृह स्थिति मुझे अनुकूल नजर आ रही है, काफी पॉजिटिव नजर आ रही है, इसलिए आप एकदम चिंता मत करिए, भयमुक्त होकर के कार्य करिए, ग्रह आपके सपोर्टिव हैं, एजुकेशन में लाभ आपको मिलना है और ये तय है, इसलिए मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पा रहा हूं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर आपका दाम्पत्य जीवन नेक्स्ट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए लाइफ पार्टनर अच्छा हो और जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा होना तो जीवन बहुत सरल हो जाता है जीना, अदरवाइज इंसान काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है अगर लाइफ पार्टनर अच्छा ना हो तो, और वो बहुत टूट जाता है। तो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट शनि ग्रह से आपको मिलेगा, बट शनि अभी वक्री हो चुके हैं रेट्रोग्रेड, केतु की दृष्टि है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी और आफ्टर 16th of July आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। द रीज़न इज़ कि आपका सूर्य कर्क राशि में आएगा और आपके पत्नी व पति के घर को सप्तम दृष्टि से देखेगा, और केतु भी यहाँ पर देखेगा, वो तो देख ही रहा है ऑलरेडी, और इस घर का लॉर्ड शनि वो आपके 8th house में बैठा है, इसका मतलब मैरिज लाइफ पर कष्ट है। यदि मैं बात करूँ आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, तो मदर और फादर दोनों के साथ ही कुछ ना कुछ मन मुटाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और एक बात को लेकर के नेक्स्ट पॉइंट में अवेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि केतु ग्रह आपके 3rd house में बैठे हुए हैं, मित्रगणों से, खास लोगों से आपको धोखा दिलवा सकते हैं, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गले से रिलेटेड कोई सर्जरी ऑपरेशन आपका हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने गले का विशेष रूप से। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या कुछ सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, ऐसी चीज़ आपको खरीदनी चाहिए, तो मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप बिल्कुल खरीदिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की लॉर्डशिप है शुक्र ग्रह के पास और शुक्र महाराज आपके खर्च के घर में जाकर के बैठे हुए हैं, और ये 6 दिन first 6 days तक आपके प्रॉपर्टी पे खर्चे कराएंगे, ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है, और उसके बाद भी है, तो यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह तो खरीद सकते हो, बस ये है कि सबसे अच्छा समय मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से सुख साधन लेने के लिए जो है वो 7 से लेकर के और 19 जुलाई तक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बुध शुक्र आपके लिए बड़े सपोर्टिव हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं कुछ अकस्मात धन लाभ की, तो मैं बोलूंगा 20 से लेकर के और 30 तारीख के बीच में कोई अकस्मात धन लाभ का योग बनेगा, और कुछ अकस्मात बड़ा खर्च भी इस बीच में होगा। ये है आपका ग्रह गोचर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब इसको मैं ये कह सकता हूं कि जो ग्रह मैंने थोड़े से कमज़ोर बताए, जैसे शनि, शनि की पूजा कर लीजिए, कर्क राशि है, शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, शनि के मंत्रों का जाप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा चाहता हूँ, आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार।